हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन के बेसिक जो भी फॉर्मूला थे उन्होंने वो मैं बता चुका था, उस पर क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ बेसिक फार्मूला पे, चाहे साइन एक्स टू द पावर एन का या ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला हो या यू बटे वी या यू इंटू वी वाला फार्मूला हो। आज हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी के 5.2, सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए बारी बारी से, बाकी तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला पावर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पावर देखेंगे, पावर है कि नहीं। पावर नहीं होगा तो फंक्शन देखेंगे, उसके बाद फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके बाद ये देखेंगे कि यू गुने भी पे है या यू बटे भी पे है, किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो पहले डिसाइड करेंगे। तो ये u गुने v पे नहीं है, ये एक ही फंक्शन है, ठीक है। पावर नहीं है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए साइन x का क्या हो जाता है, कॉस, साइन का कॉस होता है, फॉर्मूला आपको पता है। एक्स के जगह पर यहाँ पूरा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसके अंदर क्या डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x, अब 5 का तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट है तो 0। चलिए ये क्या हो गया, 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, सॉरी ये एक्स यहाँ आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, ये दूसरा क्वेश्चन डी बटे डी एक्स क्या है, कॉस इंटू कॉस और उसके अंदर में क्या है, साइन है। ये एक ही फंक्शन है, कॉस के थीटा के रूप में क्या है, साइन है। तो पहले कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर बाद में साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन करना है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, ओके। उसके बाद ये साइन तो ऐसे ही क्या होगा, लिखाएगा ही इनटू, अब ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स हो गया, छोटा वाला को पहले लिख दीजिए, बड़ा वाला को बाद में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, ओके, समझ में आया बात। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, ये फोर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाते हैं, डी बटे डी एक्स क्या है, सेक टेन रूट एक्स, ध्यान रखना है पहले ये इसका करेंगे, उस बार इसका करेंगे, उस बार इसका करेंगे, मतलब अंदर में क्या है, एक फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन है, ठीक है। तो बारी बारी से सबका करेंगे, ओके, और बाकी सबको ऐसे लिखते जाएंगे। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन, ध्यान रखना है सेक इंटू टेन। हम एक्स नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स के जगह पर हम लोग सीधे एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स के जगह पर यहाँ पे जितना है वो सबको लिखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक और इंटू एक्स के जगह पर क्या करेंगे, ये पूरा लिख देंगे टेन रूट एक्स इंटू टेन, टेन के जगह पर ये क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे टेन रूट एक्स, ये सिर्फ इतना इसका डिफरेंशिएशन होगा, ओके, समझ में आ रहा बात। अब क्या करना है हमको, टेन का डिफरेंशिएट करना इंटू, अब ये खत्म, अब इसके अंदर में टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, इसके अंदर में एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे, तो एक्स के जगह पर कितना है, रूट रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिखेंगे, ओके, ठीक है, इंटू यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटू, अब क्या करेंगे, रूट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बटे, अब सबको उलट करके लिख दीजिए, मतलब छोटा फंक्शन को पहले लिख देते हैं, तो 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक इंटू टेन रूट एक्स हो गया, समझ में आ बात। इसको कैसे करेंगे, तो इसको यू बटे भी पे करेंगे, यू बटे भी वाला फॉर्मूला पे करेंगे, ठीक है। इसको आप खुद करके देखेंगे, नहीं करेंगे अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, यू इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको यू इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए, ओके। अब ये ध्यान रखिए, ये एक्स स्क्वायर, ये साइन का पावर है, ये साइन के थीटा के रूप में, मतलब एंगल के रूप में, ओके। अब इसको
यू बने भी पे कीजिएगा, ये भी एक बना के देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं बना के बताऊंगा। ओके इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, डी बटे डी एक्स टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये दो तो कांस्टेंट है, ओके, अब इस पहले रूट है, ध्यान रखिए पहले रूट है तो पहले रूट क्या करेंगे, उसके बाद कॉट है तो कॉट क्या करेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। पहले किसका, रूट का, दो तो ऐसे दो रहने दीजिए, तो पहले रूट का कीजिए, तो रूट का क्या होता है, वन बटे टू रूट एक्स होता है। तो ध्यान रखना है एक्स मतलब अंदर में जो है टोटल, तो ये टोटल लिख दीजिए कॉट एक्स स्क्वायर इंटू इंटू, अब क्या करेंगे कॉट क्या करेंगे, तो कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक एक्स, तो एक्स के जगह पर यहाँ क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का फिर करेंगे तो क्या होगा टू एक्स। ओके ये टू से टू खत्म, बाकी सबको ऐसे उलट करके लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा टू एक्स, ये माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये समझ में आया था ना, कॉसेक स्क्वायर तो डिफरेंशिएशन में होता है, फॉर्मूला ये कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स तो एक्स के जहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो रहता है वही लिखते, ठीक है। चलिए बटा में रूट कॉट एक्स स्क्वायर, गॉट इट, बन गया। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से बना लेंगे, ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बना के बताता हूँ जिसमें पूरा कॉम्प्लेक्स हो सब कुछ। चलिए इसे मिटा दें, नोट कर लेंगे आप वीडियो को रोक करके। चलिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लो डी बटे डी एक्स टेन स्क्वायर साइन इंटू टेन इतना है, इस क्वेश्चन को समझ गया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे भी क्वेश्चन है ध्यान रखना कितने फंक्शन है, ये एक दो तीन एक चार और एक पाँच, एक पावर, मतलब छह चीजों को हम लोग को बारी बारी से करना पड़ेगा। सबसे पहले पावर को करेंगे बाकी वैसे लिखाएगा, उसके बाद टेन को करेंगे बाकी वैसे लिखाएगा, साइन को करेंगे बाकी वैसे लिखाएगा, टेन को करेंगे बाकी वैसे लिखाएंगे, मतलब बारी बारी से करते जाएंगे, जो है सबको क्या करेंगे वैसे ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का तो टू बाकी सब ऐसे लिख रहे हैं टू टेन, तो दो में से पावर एक घट जाता है तो क्या होगा एक होगा, तो एक तो लिखते नहीं है साइन टेन हो गया इंटू, अब टेन का तो टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, बाकी बात अंदर में जो है सब फिर उसी तरह उतार दीजिए साइन टेन इंटू द पावर एक्स, टेन का हो गया, अब क्या करेंगे इस साइन का करेंगे, जगह नहीं है, अच्छा चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो साइन का करेंगे, तो साइन का क्या फॉर्मूला, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस अंदर में तो ये जैसे है वैसे लिखाएगा टेन रूट इंटू द पावर एक्स, ठीक है, ये साइन का हो गया। अभी फिर इस टेन का करेंगे, इस टेन का करेंगे तो टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, ओके इस टेन का करेंगे तो इस टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर में क्या करेंगे जो बचा हुआ अंदर में क्या है रूट इंटू द पावर एक्स बचे रूट इंटू पावर एक्स लिख देंगे, अब फिर इस रूट का करेंगे तो वन बटे टू रूट वन बटे टू रूट आई टू द पावर एक्स है तो क्या करेंगे ई टू दी पावर एक्स ही लिखेंगे, ओके अब ई टू दी पावर एक्स का करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है ई टू दी पावर एक्स,
बन गया, आप उलट करके इधर से इधर करके लिख दीजिए, समझ में आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और करेंगे। थैंक यू।